राज्य अंदर बहुत बड़ा मुकाबला, कोई भी टीम इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं है। दोनों टीम निश्चित रूप से लड़ेंगे, जुझेंगे इस फाइनल में, इस टूर्नामेंट में एक विजेता बनकर इतिहास रचने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर किंग ऑफ सिटी बन चुका है इस श्रृंखला का फाइनल मैच के लिए। हेलो हेलो, थोड़ा सा साहब राम जी, और मैं यहाँ निवेदन करूंगा जय हिंद क्लब पर ही फिर कासा के जो यहाँ के जो गेस्टर है, जो कोषाध्यक्ष है, और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुत लगातार दिन रात मेहनत कर दो सब रखने के लिए साहब राम जी। जी धन्यवाद तुषार सर। मैं इस भाई के साथ बताना चाहता हूं सर कि जय हिंद क्लब का 2021 का आज 3 दिवसीय का खेल का आज लास्ट खेल है, और इस 3 दिवसीय खेल में जय हिंद क्लब के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं सब में इस 3 दिवसीय खेल में सबका बहुत बड़ा योगदान रहा, और यहाँ तक कि सब वॉलेंटियर्स थक गए हैं। इसके बाद मैं भी थक गया हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जा रहा है फिर एक साल बाद, यानी कि 2022 को ये आएगा दिन जिसमें फिर हम लोग का खेल होगा 13, 14, 15। तो कहना यही था सर, तुषार सर, कि एक तरफ से तो सारा वॉलेंटियर्स थके हुए हैं, पर उस विजय दास जी बहुत ही सुंदर अभी तक निर्णय, और कोलकाता लीग भी खिलाते हैं ये रेफरी, ऐसा नहीं है, बहुत ही जानकार, बहुत ही ऊंच कोटि के रेफरी हैं, और ग्लैडिएटर एफसी दिल्ली और ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी के बीच मुकाबला चलता हुआ, और निश्चित रूप से यह मुकाबला हाई प्रेसिंग का होगा क्योंकि दोनों तरफ से विदेशी मूल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और ऐसे में जब विदेशी मूल के खिलाड़ी जब आमने सामने होता है तो उस मैच में रोमांच तो होना ही है, इस बात में कोई शक नहीं। और मैं बताना चाहूंगा सचिव, मैं बताना चाहूंगा दिल्ली की टीम से बहुत ऐसे प्लेयर है जो कि जर्मनी से आए हैं, कुछ खिलाड़ी अफगानिस्तान से, कुछ खिलाड़ी नीदरलैंड से आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, इंडोनेशिया से चल कर आए हैं, कुछ खिलाड़ी आइवरी कोस्ट से चल कर आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, ये हम सब का हमारे फुटबॉल के स्टैंडर्ड का जीत है कि हम लोग इतने बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी को यहाँ आने के लिए हम लोग मजबूर करते हैं। आप समझ सकते हैं हम इस टूर्नामेंट को कितना, और मिसल पहले ही हो चुका था के तारीफ में जो भी कहूं, मैं समझता हूं सब निकल पड़ जाएगा, और एक बात कहूंगा कमाल ने कमाल कर दिया, और संथाली में मैं कहूंगा हम सब के बीच दोस्त हम रखने के पात्र हैं। और पे तो बेबी थे ले पड़ा को यहां तक दी दिया पे 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 मान रे बका नोड़े जरवा का जो तो बोल गाती ने लिए बुहार मिश्रा को और I don't know.
प्रोग्राम दिल्ली आ रही है चप्पांडी दिल्ली आ चप्पांडी।